किसके बीच कांटे की टक्कर सिद्धार्थनगर में दीपक? मैम सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें बहुत ही अहम हैं। पहली सीट है बांसी की, जहाँ पे प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह जी हैं, जिनके सामने मोनू दुबे जी हैं, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण वोटर ज्यादा है, इसलिए वहाँ दोनों में टक्कर कड़ी होगी। और बात की जाए इटवा की, तो जहाँ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे सपा से हैं और यहाँ बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी उनके सामने हैं, तो वहाँ भी कांटे की टक्कर होगी। और बात की जाए डुमरियागंज की सीट की, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो अपने विवादों में हमेशा रहते हैं, हिंदुत्व को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, उनका सामना है सैयदा खातून जो सपा की कैंडिडेट है, यहाँ भी कड़ा मुकाबला है। जी बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि सिद्धार्थनगर की जो 3 सीटें हैं वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और हॉट सीट मानी जा सकती है। ऐसे में ब्राह्मणों को यहाँ पर ज्यादा प्रत्याशी बनाया गया है, देखा जाए चाहे वो बांसी हो चाहे वो यहाँ पर इटवा हो, तो ऐसे में क्या लग रहा है, ब्राह्मणों का जनाधार क्या कह रहा है? मैम इस मौजूदा सरकार से जो इनके कैंडिडेट हैं, बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो नाखुश हैं, वो बदलाव चाहते हैं, इसलिए वो अपना रुख बदल चुके हैं। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपका रुख करूंगी। दीपक मेरे साथ बने रहिए। इसी बीच बलरामपुर से खबर सामने आई है, जहां पर राजकीय दीक्षा विद्यालय का ईवीएम खराब हो गया है। बूथ संख्या 88 की ईवीएम खराब हो चुकी है और यहां पर मतदान जो है वो शुरू नहीं हो सका है। उतरौला विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बलरामपुर की ये खबर मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जहाँ एक तरफ सुबह 7 बजे से मतदान 10 जिलों में शुरू हो चुका है, वहीं अगर बलरामपुर की यहाँ बात करें तो यहाँ पर बूथ संख्या 88 की ईवीएम खराब हो गई है, जिसकी वजह से मतदान जो है शुरू नहीं हो पाया है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है।